वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में 1.5 घंटे का बजट किया पेश। बजट में किया गया कई घोषणाओं का ऐलान पर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गत वर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है। यह कितना उचित? केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों? केंद्र सरकार द्वारा अपनी पीठ आप थपथपा लेने से अभी तक देश की बात नहीं बन पा रही है। करों की मार लोगों का जीना दुभर किए हुए है, इसीलिए केंद्र का भरसक प्रयास खासकर बेरोजगारी व असुरक्षा आदि के कारण लोगों में छाई तंगी, मायूसी व हताशा को कम करने की हो तो बेहतर। जैसा कि गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले बजट में जो रोजगार, शिक्षा एवं महंगाई के विषय में बड़े बड़े वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, और अब इस बजट में भी कई नई घोषणाएं करना सिर्फ जुमलेबाजी है, ऐसा बसपा प्रमुख मायावती जी का कहना है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।